केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रविशंकर जी, आप अपने संसदीय क्षेत्र में घूमकर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए, लेकिन वित्त मंत्री पूर्व पी चिदम्बरम का बयान आपने सुना होगा, उन आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे क्योंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका था, इसलिए आप लोगों ने 370 हटाया। पहले ये बताइए कि मैं बीजेपी का सदस्य भी लोगों को बना रहा हूँ। आज मेरे 12 जगह कार्यक्रम है, मैं यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में आता हूँ। चिदम्बरम साहब का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और मैं पूछूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी का ये बयान है? कांग्रेस पार्टी बताए, जब वो 42,000 लोग मारे गए उसमें कितने मुस्लिम मारे गए? क्यों खामोश थे? आज घाटी की एक मुस्लिम बेटी अगर किसी पंजाब या दिल्ली के मुस्लिम से शादी करती है तो संपत्ति से बेदखल हो जाती है। चिदम्बरम साहब, आप खामोश हैं। अभी जो हमारा औरंगजेब मारा गया, एक कश्मीर राइफल्स का जवान था, उसको शौर्य चक्र दिया हम लोगों की सरकार ने। उसके पिताजी ने कहा मेरे दो बेटे और होंगे, वो भी सेना में जाएंगे, दोनों गए। तो आप कुछ बोले क्या? वो लेफ्टिनेंट जावेद जो आया था अपने भाई के शादी में कश्मीर में, उसको किडनैप करके मार लिया गया, तो हिंदू था क्या? ये कौन सी बातें कही जा रही हैं? कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर योजना बनाकर कश्मीर को भारत से अलग करने का काम किया है और देश में लगभग 562 रियासतें थीं, 561 को सरदार पटेल ने हैंडल किया, वहाँ कोई समस्या नहीं है। एक को नेहरू जी ने हैंडल किया, समस्या आज तक है और चिदम्बरम सरीखे लोग अभी भी वही राह गलाप रहे। वो कहते हैं कि अगर हिंदू बहुल होता कश्मीर तो वहाँ पे आप लोग छूते नहीं। बेबुनियाद बात है, छोड़िए, मैं क्या उनसे बात करूँ? मांगी चाहिए ऐसे बयान। हारे हुए, हताश थके हुए लोग जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना सकते, वो कश्मीर पर नसीहत दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि गांधी परिवार से इतर कोई बनना चाहिए। रविशंकर जी, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा, लेकिन आखिरकार सोनिया गांधी बनी। भाई दिखावा है, नाटक होता है, बाद में परिवार ही आता है। तो अगर 84 में 400 पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज 44 से 52 पर है फिर भी नहीं समझते हैं तो उनको शुभकामनाएं। वहाँ परिवार से बाहर कांग्रेस की कोई सोच नहीं है और परिवार के साथ कांग्रेस की कोई साख नहीं है। तो रविशंकर प्रसाद साफ तौर पर यहाँ पर चिदम्बरम को लेकर काफ़ी आक्रामक थे और कह रहे थे कि इस तरीके का बयान जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। कैमरा पर्सन सुजीत कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।